हे गाइस गुड इवनिंग। आज खास बात यह है कि हम अपने भाई को पाटलिपुत्रा स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। अभी 10 बज चुका है और 10:30 का ट्रेन है, पाटलिपुत्रा स्टेशन छोड़ना है। उम्मीद तो लग रहा है कि छोड़ देंगे गाइस, मगर देखते हैं। ये आपका महावीर मंदिर वाला ब्रिज है गाइस, लोग यहाँ काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं। और ये आपका नज़ारा महावीर मंदिर का, ये पटना स्टेशन जंक्शन आपका, अगर कैमरा से दिख रहा हो तो ये आपका पटना जंक्शन और ये महावीर मंदिर। और यहाँ पे आपका मस्जिद भी है, जितना भी कैमरे की नज़र से होगा दिखाते जाएंगे। और नाइट राइडिंग का एक अलग ही मज़ा है जो आप फील कर सकते हैं। नॉर्मल ये बुद्ध मार्ग आपका आ गया है, बिहार बोर्ड का ऑफिस है यहाँ पे, और सबसे बड़ा पाल होटल इस रोड में। फेमस तो यही चीज़ है, दो चीज़, जो जो चीज़ रास्ते में आएगी फेमस चीज़, वो चीज़ दिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे। और आप देख रहे हैं रैम्बल मनीष। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अगर पटना का कोई भी रोड का ट्रैवलिंग देखना हो, ऐसे आज हम दिखाएंगे आपको। ये है आपका आदित्य विजन तारामंडल के पास, कितना आ रहा है तो हमको नहीं पता। ये इनकम टैक्स गोलम्बो, और यहाँ से आपका बेली रोड स्टार्ट हो जाता है। ये तो पूरा लाइटिंग वाइटिंग बहुत गजब का लगाए हुए है, क्या कुछ है क्या। अच्छा वो सॉरी, बिहार दिवस के मौके पे ये सारे मतलब सरकारी ऑफिस पूरा लाइट से नहलाया गया है। और भाई अब ज़्यादा टाइम नहीं है, पर उम्मीद तो करते हैं पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ है पल्सर 150 और मेरा भाई पीछे बैठा हुआ है, मेरा भाई मोनू। बेली रोड की सड़कें तो अच्छी हैं, मगर 10 बजे तक कितना ट्रैफिक होगा ये जानकारी नहीं था। 150 इतना भी कम नहीं चलता है जिससे आप। ये आपका बिहार म्यूजियम है नया वाला, दिखेगा तो नहीं क्योंकि लाइट में रात में क्या उतना दिखेगा दिन। और ये आपका पटना में नया ब्रिज जो कुछ ही दिन पहले बना है। मात्र 50 के स्पीड से, नॉर्मल रफ्तार से, कोई ज़्यादा नहीं। यहाँ पर रोड थोड़ा सा वो चीज़ अल्टर है, हल्का स्लोपिंग है दूसरे टाइप से, शायद लग रहा है किसी का फ़ोन आ रहा है, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है। गजब का नज़ारा भाई, गजब का। नीतीश चाचा तो जी गए। और इसी के साथ हम आ गए हैं आपको, और ये आपका पटना जू, नाइट व्यू देख लीजिए, लाइट जले हुए, सारे गेट बंद है। लंबा ओवरब्रिज यही है आपको, लगभग अप्रॉक्स 3 किलोमीटर का है तो। और इसी के साथ इस पे जो टाइम लगा स्टेशन के उधर ही लगा है, कंकड़बाग साइड गाड़ी है,
वन साइडेड गाड़ी, यहाँ पे करते हैं ये बटन ऑन और ये मज़ा देखिए। जो सबसे पहले हम ब्लॉग दिखाए थे उसमें आपको ये लाइट उस दिन ही सेटअप करवा के आए थे, और ये देखिए मज़ा, क्या बात। नाइट में अगर राइड करें हाईवे पे तो कितना आनंद आएगा। चलते जाएंगे, कभी लॉन्ग टूर पे चलेंगे, मगर फिलहाल तो अभी लॉन्ग टूर पे नहीं है। अभी है हमारा पाटलिपुत्रा स्टेशन करीब करीब पहुंच गए हैं। टाइमिंग क्या हुआ ये तो नहीं पता चला, मगर इतना पता है कि 10:30 नहीं हुआ होगा, क्योंकि भरोसा है पल्सर पे रहा है। एक लेडीज थी, गजब साइड मांग रहे हैं तो और जा रही है राइट साइड में, लेफ्ट में भागेगी, क्या बात। तो गाइस ये है आपका पाटलिपुत्रा स्टेशन, स्वागत करता है आपका। और पार्किंग में ही लगाना पड़ेगा, तो गाड़ी को करते हैं पार्क। क्या नजारा, दे दीजिए पार्किंग वाला कागज, 100 रुपये है। जो अभी रात के 10:30 बज रहा है और हम पाटलिपुत्रा स्टेशन आए हुए हैं, जो आपको हम पीछे करके कैमरे से दिखा रहे हैं। ये भाई है हमारा मोनू, और ये आज दिल्ली जा रहा है, और यहाँ से आपको कौन सा पूर्वोत्तर एक्सप्रेस है, पाटलिपुत्रा स्टेशन से पूर्वोत्तर एक्सप्रेस ट्रेन है, तो इसी को ड्रॉप करने आए हैं। चलते हैं ट्रेन पे, चल। पूर्वोत्तर कितने पे है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो गाइस ये राजधानी है, जिस ट्रेन के इंतजार में है वो ट्रेन नहीं है हमारा, ये पता नहीं किस तरह की राजधानी है, बहुत ही मतलब देखिए वो पुराना बोगी लगा हुआ, लग ही नहीं रहा राजधानी। न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन, ये पाटलिपुत्रा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और देखिए किस तरह का डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स अभी तक ट्रेन कहाँ पहुँची कोई अता पता नहीं है, आधे घंटे से दिख रहा है कि वहीं के वहीं स्टेशन पे है। और जिस ट्रेन का टाइमिंग था आपका 10:45 में,
और अभी 11:05 हो चुका है और अभी तक बस ऐसी ट्रेन है। ये आपका पाटलिपुत्रा स्टेशन का बाहर का नज़ारा, जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो ये नज़ारा आपका यहाँ से बाहर स्टेशन का है, जो कि देखने लायक है। नज़ारा देखिए गाइस, यहाँ से किस तरह का दिख रहा है हमको तो नहीं पता, मगर बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये आपका स्टेशन और यहाँ से आपका ये 11:16 पे ये कैमरा का रिकॉर्ड आपका पाटलिपुत्रा स्टेशन रात के 11:15 और मेरा भाई दिल्ली की ओर प्रस्थान कुछ ही क्षणों। तो अभी रात के कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा है अभी। और आज के ब्लॉग में खास यही है कि आज पाटलिपुत्रा स्टेशन पे हैं हम, रात के 11:30 बजा है। और कारण ये है कि हम अपने छोटे भाई को स्टेशन छोड़ने आए हैं और ये दिल्ली जा रहा है। ये हमारा भाई है और चलिए इससे पूछते हैं कि कौन सा ट्रेन से जा रहा है। अब ये बताएं, उत्तर एक्सप्रेस। अच्छा, बोगी नंबर B1 और सीट नंबर 11। तो भाई जा रहा है दिल्ली घूमने के लिए और इसका एक दोस्त रहता है, कौन दोस्त रहता है ये नाम बताएगा। सुशील। कौन सा दोस्त है तुम्हारा? सुशील। दिल्ली में इसका सुशील दोस्त है और उसी के पास जा रहा है। कहाँ रहता है सुशील? मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर में जाके रहेगा उसके पास। और आज ट्रेन इतना लेट है, टाइमिंग था 10:45 का और अभी तक हम नज़ारा ही ले रहे हैं। अगर आपके सामने कोई ट्रेन ना हो तो आप नज़ारा उधर रोड का भी देख सकते हैं। तो देखिए अभी टाइमिंग तो चल रहा है 1:10 पर लेट है। अब आगे और भी लेट होगा या नहीं होगा पता नहीं। गाइस, ये लड़का जो हमारे पीछे है 4 अप डाउन कर चुका है, लगता है ये भी ट्रेन के चक्कर में, और हो सकता है जिस ट्रेन के हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने भाई के लिए, हो सकता है वो भी उसी ट्रेन के इंतज़ार में हो। तो बैठते बैठते 10:15 से तो हमको भी हो गया है करीब 1.25। गाइस, अभी 12 बजने वाला है और लास्ट में फाइनली अभी तक हम ट्रेन नहीं आ पाया, तो रूम पे भी जाना ज़रूरी है। तो लास्ट में कुछ मोनू बोलेगा मेट्रो से। आप मेरे भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो गाइस चलते हैं फाइनली।